नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जॉय कुमार ट्रॉफी का फाइनल हो गया है। यह भिवंडी सिटी का दूसरा टूर्नामेंट था। तो बिना देर के शुरू करते हैं हमारी आज की यह वीडियो, जिसमें हम देखेंगे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन जॉय कुमार ट्रॉफी का। दोस्तों, फाइनल में एसपी दापोड़े और धनेश लोंगकुक्से की टीम में हुई थी, जिसमें धनेश जीत गई। तो पहला अवार्ड देखते हैं फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच, तो वह है जयेश पाटिल। बढ़ते हैं अगले अवार्ड की तरफ, जो है मैक्सिमम फोर। तो यह अवार्ड जीता विशाखा इंटरप्राइजेस टीम के विद्यानंद पागे, जो विवेक शेलार के गांव से आते। मैक्सिमम सिक्स का अवार्ड मिला चिराग माली को, उन्होंने इस ट्रॉफी में 11 छक्के लगाए। अब देखते हैं तीसरा नंबर, तो रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स रही तीसरे नंबर पर। अब देखते हैं बेस्ट बैट्समैन, तो वह है 71 रन बनाने वाले विशाखा इंटरप्राइजेस टीम के प्रतीक पाटिल, पर उनकी टीम सेमीफाइनल में हार गई। दोस्तों, आप बेस्ट बॉलर, तो विवेक शेलार ने 9 विकेट लिए थे, पर 10 विकेट लेने वाले दर्शन पाटिल बने बेस्ट बॉलर, और लगातार दूसरी बार दर्शन पाटिल बेस्ट बॉलर बने इस सीजन में। रनर अप टीम रही एसपी दापोड़े टीम, इस टीम ने अच्छा क्रिकेट खेला। अब देखते हैं सबसे बड़ा अवार्ड यानी मैन ऑफ द सीरीज, तो वह है वन एंड ओनली, करीब 80 रन बनाकर 9 विकेट लिए, वह है चिराग एसपी दापोड़े टीम के। वह पूरे फॉर्म में थे इस ट्रॉफी में, और विनर टीम धनेश लोंगकुक्से टीम। इस टीम ने इस साल की पहली ट्रॉफी जीतकर अपना अकाउंट ओपन किया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही क्रिकेट के बारे में जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ओनली क्रिकेट लवर चैनल, यहाँ पे हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।